ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। इस सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए। गुजरात के लोकसभा चुनाव के प्रभारी रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर साहब फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे गुजरात को लेकर और राजस्थान को लेकर। हालांकि कई जो राज्य हैं उनकी नब्ज़ को बखूबी जानते हैं, लेकिन अभी गुजरात थे, राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बातचीत करते हैं माथुर साहब। सबसे पहले गुजरात की बात, कल मोदी साहब आए, कल भी स्टेज पर लोग देख रहे थे कि आप उनसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक मित्रवत व्यवहार हो। और भी कई नेताओं के साथ वो बैठते हैं, लेकिन आपके साथ उनका अंदाज बिल्कुल निराला था, कुछ हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। देखिए, मैं और आदरणीय नरेंद्र भाई 1972 से साथ हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि 82-84 के बाद तो हम लगभग, क्योंकि मेरे पास किसान संघ था और वो गुजरात में थे, तो हमारा निरंतर परिचय रहा है। और वर्षों का जब साथ होता है तो दोस्त कह दें, बड़े भाई कह दें, मेरे से थोड़े 4-6 महीने बड़े भी हैं वो, तो खूब होमोजेनियस रहे हम। और गुजरात की कितनी कठिन परिस्थितियों में भी नरेंद्र भाई को जिस प्रकार से लोगों ने टारगेट किया था, उस परिस्थितियों में भी नरेंद्र भाई, मैं वहाँ प्रभारी 2004 की लोकसभा से लगातार प्रभारी रहा, बीच का ये विधानसभा 17 छोड़ दूँ क्योंकि उस समय मैं उत्तर प्रदेश था, तो निश्चित रूप से थोड़ी मन की बात, थोड़ी दिल की बात, थोड़ी पार्टी की बात, थोड़ी हंसी मजाक, और ये थोड़ा हम लोगों का स्वभाव भी है कि कहीं ना कहीं तो एक दो व्यक्ति जीवन में होने चाहिए जहाँ व्यक्ति, जब नरेंद्र भाई इतने व्यस्तता कार्यक्रम में से निकलते हैं तो एक दो लोग कहीं ना कहीं ऐसे मिलने चाहिए कि जिससे उनको थोड़ा रिलैक्स मूड में और थोड़ी हंसी मजाक से बात करे। आपने देखा होगा कल भी कम से कम इतनी ज़बरदस्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और जिस प्रकार से उन्होंने मेरे पीठ पर एकदम से धौल जमाई, उससे लगता था कि कोई ना कोई मस्ती की बातें हो रही है। यही बात थी, इसी बात को लेकर तमाम राजस्थान में जिक्र था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन एक सवाल आता है, लोग कहते हैं इन दिनों कि पिछली बार से कम सीटें आ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक या फिर कुछ लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए, हर एक का अपना विश्लेषण करने का तरीका होता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से सब विश्लेषण, लेकिन जिस प्रकार से मैंने गुजरात का दृश्य देखा है या अभी 3 दिन से राजस्थान में घूम रहा हूँ, इस समय पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक आम विश्वास आम नागरिक में पैदा हुआ है। आप लोग भी घूमते हो, प्रदेश भर में घूमे होंगे पूरे चुनाव अभियान में, बड़े से, बूढ़े से, अंधी माता से, बुढ़िया से, जवान से, जो भी पूछो, मोदी, मोदी को यहाँ तक कि लोग भगवान के रूप में देखने लगे कि पहली बार मेरे परिवार का, मेरी चिंता करने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। और फिर जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष का दुनिया में एक नाम किया है, एक दुनिया में वापस जो हमारी कल्पना थी कि हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थी, तो हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, सामरिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों के स्वाभिमान क्षेत्र में 14 का पहला भाषण यूएनओ में पूरी दुनिया को योग दिवस के रूप में मनाना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक भाव पैदा हुआ, चारों तरफ मोदी जी के प्रति पूरी आस्था के साथ जम के वोटिंग होने वाली है। माथुर साहब, एक सवाल और है कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम जाती है। हमने एक चीज देखी कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कई कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको लोग जानते ही नहीं है। बात करते हैं बीजेपी वालों से तो वो भी मोस्टली लोग हैं वो कहते हैं मोदी, ऐसा क्यों? कि मैं आपको बताता हूँ कि 14 में जब हमने 13 में मोदी जी को नेता घोषित किया, उस समय लगभग 60% के आसपास प्रदेश देश ऐसा था कि जहाँ हमारा झंडा लेके खड़ा रहने वाला नहीं था। लेकिन जनता जब मन बना लेती है, आम मतदाता जब मन बना लेता है, तो स्वाभाविक रूप से पहली बार, उस समय भी लोग यही कहते थे हमसे, आप लोग प्रश्न करते थे कि आप कहाँ से लाओगे, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में तो आपका झंडा लेके खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं है, कहाँ से लाओगे? लेकिन मोदी जी ने जब दौरा किया, 30 साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेके, 30 साल बाद पूर्ण बहुमत लेके आई और एनडीए को साथ लेकर के सरकार बनाई, और उसके बाद तो बहुत अंतर आ गया। आप नहीं मानते कैंडिडेट्स के प्रति नाराजगी जो है वो मोदी का नाम है वो खत्म करें? नहीं, मैं कहता हूं कि कोई नाराजगी खत्म करने वाली है। इस समय लोगों में भरोसा है कि मोदी को अभी देश में बहुत साल तक रखना है, और मोदी हमारे देश को पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ा सकता है, मोदी पुनः देश को, यानी आप देखिए
आज तक अंतरिक्ष में तीन महाशक्ति थे, रशिया, अमेरिका और चाइना, चौथी महाशक्ति मोदी ने बनाई। आज तक पहली बार सीकर की आम सभा में, उससे पहले बोले, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ, सीकर की आम सभा में कहा हमारे हिस्से का पानी किसी कीमत पे पाकिस्तान को लेने नहीं देंगे। नहीं तो एक प्रदेशों में जल के लिए लड़ रहे थे नदियों के पानी को लेके, आखिर अटल जी ने भी नदी जोड़ो अभियान चलाया था, लेकिन प्रदेशों के अपने हित के साथ में वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये मोदी है, उन्होंने अपने स्टेट में करके दिखाया। आज नर्मदा का पानी जालौर जिले में जिस प्रकार से सरसों पैदा हो रहा है, जिस प्रकार से किसान वहाँ समृद्धशाली हो रहा है, ये स्वाभाविक है। इसलिए इच्छा शक्ति और मोदी जी जो वर्क किया इतने दिन तक उसको लेकर के अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मोदी 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 मोदी। एक सवाल और, न्याय योजना है जो कांग्रेस अपनी घोषणा में शामिल कर चुकी है, न्याय योजना की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि आपने 15 लाख देने की बात कही थी, कांग्रेस के नेता लगातार ये बात बोलते हैं, 15 लाख कहाँ आए? देखिए, कांग्रेस को न्याय शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने इस देश की धरती पर 10-12 साल छोड़ दूं आजादी के बाद, इस 70 वर्षों में लगभग 55 से 58 वर्ष तो एक परिवार ने राज किया है। कहां गया था उस समय न्याय? कहां गया था उस समय गरीब? आज राहुल गांधी कहते हमारी सरकार आएगी तो गरीबी हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 72,000 रुपये देंगे। ये तो वो ख्याली पुलाव बनाने का तरीका है कांग्रेस का, वो एक लोगों को भ्रम में डाल कर झूठ बोल के। नेहरू जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और राहुल भी अब कहते हैं। इसका मतलब इनके पुरखों ने जो कुछ भी बोला, इनके दादा ने बोला, पापा ने बोला, बड़े दादा ने बोला, जिन्होंने भी बोला झूठ बोला, ये राहुल गांधी खुद सिद्ध। और न्याय की बात कर रहे, वो किस बात की न्याय की बात कर रहे हैं? कांग्रेस को न्याय का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा है, आज आप पता करिए, उन्होंने ये कहा था कि अपने यहाँ से इतना लूट लूट करके धन ले गए, अगर वो वापस आ जाए तो हर एक व्यक्ति के अनुमान तक 15 लाख रुपए, एक भी लाइन कहीं बता दे कि खाते में जाने की बात कही हो। एक भ्रम फैलाना, एक वायुमंडल बनाना खाते की बात। मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस को खुली चैलेंज देता हूँ, और दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस बिलो दी बेल्ट जाने लग गई है। एक सवाल और, पिछले दिनों एक चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में, आप गुजरात चुनाव से फ्री हो गए थे लेकिन आपको 2 या 3 दिन बाद राजस्थान आना पड़ा, तो आम का पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चा थी कि माथुर साहब को और भी पहले बुलाते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि लोगों का कहना है कि आप खुद राजस्थान के हैं तो आप जानते हैं राजस्थान की नब्ज। ये पार्टी की व्यवस्था रहती है। मैं 23-23 तारीख को तो फ्री हुआ और 26 से उन्होंने टूर बना दिए, तो 3 दिन आखिर में वहां का फीडबैक भी मुझे लेना था, और मेरे लिए वहाँ सबसे बड़ा ये भी था कि इस बार निश्चित रूप से मेरी 26 की 26 सीट आए, और मैं एक एक सीट पर 3-3 बार गया हूँ। 6,000 किलोमीटर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बाई रोड गुजरात को ना पाए, तो इसलिए मैं जो पार्टी निर्णय, अब कल मुझे वापस दे दिया आपको भोपाल जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, तो ये पार्टी निर्णय करती है किस कार्यकर्ता को कहाँ भेजना है। और कल तो मुझे भोपाल के लिए मंच पे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कब जा रहे हो मुझे ये बताओ, तो पार्टी का निर्णय रहता है, पार्टी जो कहती है हम करते रहते हैं, पार्टी जो भी कहा। और देखिए, मेरा अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप मानेंगे कि जब भी मुझे ने कहा, मैं 2001 से लगातार राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रांतों में, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में जब भी पार्टी ने कहा मैं गया हूँ, और प्रभु कृपा से वहाँ मुझे जो सफलता मिलनी चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे वो सफलता मिली है। 2001 में मुझे मध्य प्रदेश भेजा था, दिग्विजय सिंह जी थे 10 साल से, और उमा जी को देके भेजा था, उमा जी को सीएम बना का है। तो ये पार्टी का निर्णय रहता है किस कार्यकर्ता का कहाँ। मान लो अभी 3 दिन और भेजा, यहाँ नहीं भेजते, मुझे कहते आप और कहीं जाओ, जो भोपाल मुझे कल जाने का कह रहे, हो सकता पार्टी कहती मुझे गुजरात से, कहते आप सीधे तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के ना, कार्यकर्ता की भावना स्वाभाविक रहेगी। एक आखिरी सवाल और, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठन, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है खास तौर पर कि वो राजनीतिक संगठन बन जाना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं तो उन्हें भी अब राजनीतिक संगठन बन जाए। देखिए, कांग्रेस इस प्रकार के अजूल फजूल बातों में लगी अभी, जब इनकी गरज होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत अच्छा संगठन होता है, जब इनका देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 से जब से उसका जन्म हुआ है
तब से देश में लगा है और इतिहास उदाहरण है। नेहरू जी ने बकायदा गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शामिल किया है और भी कई बार जब भी अगर विषय हुआ हमारे द्वितीय सरसंचालक गोलवलकर जी को संयुक्त दल की मीटिंग में भी बुला करके देश की राय ली गई है। कांग्रेस मुझे बताइए संघ कौन से राष्ट्र हित के कार्य में नहीं लगता, कोई आपदा हो कोई दुर्घटना हो सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक पहुंचता, इसलिए संघ के बारे में इस प्रकार की अजूल फजूल बातें करना ये औचित्य नहीं है और संघ अपना काम राष्ट्रीय निर्माण का काम करता आ रहा है और संघ करता रहेगा। चुनाव में भी ये संघ जो काम कर रहा है वो राष्ट्र निर्माण में शामिल, निश्चित रूप से राष्ट्र जो देश को 10 साल तक लूटा है, आखिर आम आदमी को लूटा 10 साल तक इनके रहते राहुल गांधी सोनिया गांधी के रहते आप लोगों ने घपले उजागर, कोई बीजेपी ने उजागर नहीं किए, संघ ने उजागर नहीं किए, घपले उजागर देश को लूट हो रही, क्यों नहीं चाहेगा संघ के स्वर्ण देश हमारा विश्व गुरु बने, देश हमारा पुनः सोने की चिड़िया बने, क्यों नहीं देश में सुख शांति हो। आज कश्मीर की हालत क्या कर दी, आज जब कांग्रेस ये कहेगी कि हम देशद्रोह का धारा हटा देंगे तो क्या संघ बैठा रहेगा? संघ राष्ट्रवाद की कल्पना लेके निकला है और राष्ट्रवाद करता रहेगा और संघ के कार्यकर्ताओं को और संघ के स्वयंसेवकों को तो हर समय मैं कहता हूँ आने वाले समय में इन लोगों को भी नमन करना पड़ेगा कि इस देश में एक ऐसा और दुनिया मान रही है ये नहीं, पूरी दुनिया संघ के काम को परख चुकी है देख चुकी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन संघ बन चुका है, इसलिए संघ के बारे में बोलना अब वो बोले ना कोई सिद्धांतों पे आवे कोई विचारों पे आवे, एक बस प्रचार 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 उल्टा सीधा झूठ बोलना झूठ बोलना, क्या देश के जो अपना आपको प्रधानमंत्री का सपना देखता है वो नारे लगाए इस प्रकार के? अब मुझे बताइए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहले तो वो प्रमाण मांगते रहे फिर संख्या मांगते रहे फिर झूठ बोलते रहे और अब बोले एक बार 6 महीने पहले बोले थे 3 सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की, कल परसों कोई बोल गया 6 सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की, तो भाई हमने की तो आप विरोध क्यों कर रहे थे? तो इसलिए कांग्रेस खुद थूक करके चाटने वाला काम कर रही है और दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं को ठीक मानता था कि वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते, लेकिन अब राजस्थान में भी जिस प्रकार के भाषा का उपयोग करने लगे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं को भी मेरे पार्टी के नेताओं से भी हम आग्रह करते हैं कि अपनी वाणी का संयम रखें, विरोधी बैठ नहीं जाए, अपने विचारों से द्वंद करें, इसलिए संघ के खिलाफ बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इसका उसको सजा देगी कांग्रेस को निश्चित रूप से। मान शुक्रिया सर। खास बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर साहब ने, राजस्थान से अब ये फ्री होकर चुनाव अभियान से भोपाल के लिए रवाना होना है कल और उसके बाद मध्य प्रदेश में इनकी व्यस्तता रहेगी। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।